नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबर। बड़ी खबर है अम्बेडकर नगर से, जहां पीस पार्टी ने लगाया नामांकन पत्र न देने का आरोप। बड़ी धांधली की आशंका को लेकर पीस पार्टी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। बता दें तो किसी न किसी कागजात की कमी बताकर पीस पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन पत्र नहीं दिया जा रहा है, ऐसा आरोप लगा है। बता दें तो पीस पार्टी से कटहरी उपचुनाव प्रभारी मौलाना अफजल नदवी ने जिला प्रशासन पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए, आप सुनिए। हम चार दिन से हम लोग आ रहे हैं यहाँ DM ऑफिस पे चुनाव पत्र लेने के लिए, हमको दिया नहीं जा रहा है। चार दिन से हमको टहला रहे हैं, कभी कभी सरकारी प्रोसीजर बता करके हमको वापस कर दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं ट्रेजरी जमा करके ले आओ, ट्रेजरी जमा करके लेके आते हैं तो वहाँ ऊपर हमको वेरीफाई नहीं करते हैं, वेरीफाई सूची नहीं देते हैं, बाबू सूची नहीं दे रहा है। यहाँ ये लोग हमको टाइम टाल रहे हैं, चार दिन हो गया है, अभी आज पर्चा नहीं दिए हैं, कल पर्चा देने वेरीफाई करेंगे, कल हमको पर्चा देंगे, कब हम भरेंगे और कब हम जो है पर्चा दाखिल करेंगे, समय खत्म हो जाएगा। ये एक साजिश के तहत हमको पर्चा नहीं दिया जा रहा है, लग रहा है हमको चुनाव लड़ने के लिए रोका जा रहा है।